गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है एच पी वी वैक्सीन तो अभी एक कैंसर रिसर्च यू के एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रिसर्च की है और देखा है कि ह्यूमन पैपिलो में वायरस जो है पैपिलोमा वायरस जो है उसकी वैक्सीन अगर जो है विमेन को चौदह से सोलह साल के बीच में दे दी जाए तो सिक्सटी टू परसेंट जो है आ, सर्वाइकल कैंसर का जो है रिस्क वो कम हो जाता है ठीक है सर्विकल कैंसर रादर ठीक है सर्वाइकल नहीं सर्विकल कैंसर ठीक है अब एच होता क्या है एच जो है वो डायरेक्ट सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से जो है वो फैलता है ये वायरस और हंड्रेड टाइप्स से भी ज़्यादा इसके टाइप्स होते हैं इससे जो है आपके बहुत तरह के कैंसर हो सकते हैं जैसे सर्विकल एनल और पेनाइल ये ये आपके मेल में होता है ठीक है वल्वर फैजिनल ये सब जो है कैंसर्स हो सकते हैं ठीक है मेल में मोस्टली जो है वो जेनिटल वार्ड्स होता है इससे और जो है आपका पेनाइल कैंसर जो है वो हो सकता है तो अब कई तरह के कैंसर मेल में भी होते हैं कई तरह के इसमें फीमेल में भी होते हैं तो अब याद रखना कि एच जो है वो सिर्फ विमेन को ही नहीं मेल को भी इफेक्ट करता है ठीक है अब जो है इसमें मोस्टली जो है चाहे वो मेन हो या फिर वुमेन हो मोस्टली जो है मोस्ट ऑफ देम जो है उनको कोई सिम्टम्स डिवेलप नहीं होते और वायरस जो है वो बहुत टाइम भी ले जाता है कई बार बहुत साल लग जाते हैं उसके सिम्टम्स डेवलप होने में भी ठीक है अब ये फिर जब सिम्टम्स डेवलप होंगे तो उससे कैंसर का भी स्थिति आ सकती है बहुत तरह के क्योंकि जो है ये वायरस होते हैं सबसे ज़्यादा जो कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन है एच के वो हैं एच पी वी सिक्सटीन और एच पी वी एटीन ठीक है तो इन दोनों की वजह से जो है वो कैंसर हो सकता है बहुत तरह के कैंसर यहाँ पर जो मेंशन किए हैं ये हो सकते हैं एच पी वी सिक्सटीन और एटीन की वजह से अब इंडिया में इसका स्टेटस क्या है क्या वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है यस 2008 में सबसे पहली बार बाइवेलेंट एंड क्वाड्रीवेलेंट वैलेंट एच पी वी वैक्सीन्स को जो है 2008 में लाइसेंस किया गया था और नॉन वैलेंट वैक्सीन जो है वो 2018 में आई थी ठीक है अब एच वैक्सीन जो है जो 14 साल से कम एज की जो गर्ल्स हैं इंडिया में उनको दो डोज़ दी जाती है पहली डोज के बाद छः महीने का गैप उसके बाद दूसरी डोज और जो 15 साल से ऊपर की जो है विमेन हैं या फिर गर्ल्स हैं उनको तीन वैक्सीन का डोज दिया जाता है ठीक है अब क्योंकि ये डोज़ जो है ये बहुत महंगा होता है तो इसलिए इस फाइनेंशियल एक स्थिति की वजह से जो है इसको जो है विमेन जो है वो अवेल नहीं कर पा रही हैं एचपीवी वैक्सीन को ठीक है अब इसमें देखा गया है कि 27 परसेंट ऑफ जो टोटल सर्विकल कैंसर के, के केसेस आते हैं ग्लोबल ग्लोबली उसमें जो है ट्वेंटी सेवन परसेंट जो केसेस है वो इंडिया के ही होते हैं और 77 सेवन परसेंट सर्विकल कैंसर के केसेस के जो हैं इंडिया में वो एच की वजह से ही होते हैं एच 16 और 18 की वजह से जो स्ट्रेन है ठीक है अब याद रखो इंडिया में अभी तक जो है बॉयज़ या फिर मेल्स के लिए एच वैक्सीन को रिकमेंड नहीं किया गया है तो ये अवेलेबल नहीं है अब कहा जा रहा है डिबेट्स आ रही हैं कि बाकी कंट्रीज़ में भी हो गया है तो आपको इंडिया में भी इसको जो है बॉयज़ और मेल्स के लिए भी एच वैक्सीन को अप्रूव कर देना चाहिए ठीक है सो नाउ लेटर दिस टॉपिक इन इंग्लिश एच वैक्सीन सो रिसेंटली research was conducted by cancer research uk and they have found that the human papilloma virus that is the hpv uh, can be prevented in women between the ages of 14 and 16 if they are given uh, virus uh, I'm, I'm sorry if they are given the vaccine and uh, it can prevent the risk of developing the cancer uh, by 62% in women. okay? so actually, hpv uh, ha is a virus which have more than 100 types. so almost 100 types of strains have already been developed of hpv. and more than 40 types of hpv are spread through direct sexual contact. okay? so it causes. Uh, 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 genital warts and even cancers like cervical cancer it is very uh, common in women uh, because of this hpv uh, this cervical cancer is very uh, common in women you may have already heard about that also so the hpv strain 16 and 18 are mostly responsible for this uh, for the cancer uh, that is caused by hpv okay so most of the men so just remember that it affects both uh, males and females uh, but most of the men and even the female they do not uh, develop symptoms and sometimes it takes years to develop symptoms and by then it is too late to treat the, this hpv uh, virus and the best uh, option available for a person to get uh, uh, to get to remain safe is to get a vaccine for this uh, virus okay uh, so it, the vaccine in india is already available since 2008 and even in uh, 2018 a new non-violent vaccine was licensed so it is being said that india's iap coi so indian academy of pediatrics committee on immunization has recommended that hpv vaccine must be given as a two dose regimen uh, for girls below the age of eight, uh, 14 years and if the girls are above the 15 years of age then in that case Three dose regimen is uh, recommended. Okay, so because this is a paid vaccine currently, so that's why there is a financial obstacle in uh, the adoption of this vaccine in India. Uh, although we know that 27% of the global cervical ca cancer cases arise in India only, and about 77% of cervical ca cervical cancer cases are caused by this HPV uh, virus only. Okay, so just remember another important fact that there is no recommendation as of yet. Uh, for boys and males about the hpv uh, of the hpv vaccine okay so currently uh, if you are a male you are not uh you cannot avail this HPV vaccine as of yet in India okay uh, several debates are there that uh, even uh, this vaccine should be made available for men also uh, you may have uh, seen this uh, in TV or even in newspaper articles that we should recommend HPV vaccines for uh, boys and males in India but as of now the government has not yet uh, given a go ahead to it okay so now let us see the next topic which is Moldova so Merck Merck is a German company hai, German फार्मा कंपनी है बहुत बड़ी जिसने एबोला की भी वैक्सीन बनाई थी फिर जो है आपकी मलेरिया की वैक्सीन भी उन्होंने ही बनाई है ठीक है तो बहुत ही एक बड़ी कंपनी है तो इन्होंने अभी एक मोलनुपिरविर ये एक ड्रग बनाया है जो कि ओरल ड्रग है एंटीवायरल ड्रग इससे क्या होता है कि जब ये बॉडी में जाता है तो जो वायरस है कोविड का जो वायरस है वो अपने आप को रेप्लीकेट नहीं कर पाता ठीक से उसके अंदर एरर्स आ जाते हैं ठीक है, है? क्योंकि जो क्योंकि अपनी रेप्लीकेशन वो किसके थ्रू करता है आर के थ्रू उसके आर में ये एक तरह से समझ लो उसका आपको सिंपल समझाने के लिए बताऊँ तो सॉफ्टवेयर खराब कर देता है उस आर का उससे क्या होता है कि वो अपने आप को कॉपी नहीं कर पाता वायरस अपने आप को फैला नहीं पाता मल्टीप्लाई नहीं कर पाता उससे जो है वो पर्सन जो है वो डिसीज़ जो जो वायरस है उसकी ना फैलने की वजह से जो पर्सन है वो ठीक हो जाता है ठीक है तो अब इसको जो ये असल में ये वैक्स जो है ये ओरल एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो है ये इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए बनाया गया था लेकिन इसका जो है प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखने को मिले कोविड 19 में इंडिया में भी एक ऑप्टिमस ग्रुप है उन्होंने इस ड्रग को ट्राई किया तो फेज़ थ्री क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया कि नाइन्टी जो पेशेंट्स थे उनकी आर रिपोर्ट नेगेटिव आई और जो है Uh, ये ड्रग लेने की वजह से जो है उनकी बॉडी में वायरस जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाया ठीक है सो नाउ अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश मोल्नू पेरेविर सो दिस मोलो पेरेविर इज एन ओरल ड्रग विच हैज़ बीन मेड बाय मर्क मर्क इज़ अ वेरी बिग जर्मन फार्मा कंपनी And they have already uh, developed uh, promising uh, vaccine candidates for uh, both Ebola and uh, malaria. You, you, we have already uh, covered that section in prelims boosters uh, uh, since the last few months. And this uh, Merck oral antiviral drug has seen uh, has uh, uh, shown promising results. Uh, what how does it work so it basically when it enters your body it stops the virus from replicating because it somehow damages the software i'm just using the word here so that you can understand it so it basically damages the software of the rna so the virus uh, it causes an error when when the virus wants to replicate itself so through uh, the reduction in replication of the virus, the this uh, drug helps the body to recover because the virus is not replicating and the and the body uh, uh, fights easily with the uh, low num low uh, uh, number of virus uh, strains which are present in the body. Okay, so even in India, this uh, this drug was tested by the Optimus group and the phase three clinical trials showed promising results. Almost 91.5 percent patients uh, which were given this drug tested RT PCR negative in a. Few

रोड किल से इंडिया नॉर्थ इंडिया में एक्सीडेंट होकर मरना उसका रिस्क जो है वो 83 परसेंट इंक्रीज़ हो चुका है ठीक है तो उन्होंने कहा है कि जो लेपड है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क पर है फोर एनिमल्स के जो कि रोड किल से मर सकते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो चांस है मरने के वो लेपर्ड के ही हैं ठीक है एट्टी इंक्रीज रिस्क पर है लेपर्ड नॉर्थ इंडिया में रोड किल से मरने मरने की रिस्क पर ठीक है अब स्टेटस ऑफ लेपर्ड रिपोर्ट देखते हैं 2018 में आई थी तो हम ये रिपोर्ट भी देखते हैं क्या है तो ये रिपोर्ट जो है यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो है वो लॉन्च की थी इसमें कहा गया था कि वन ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी टू लेपर्ड्स हैं इंडिया में ये टू का जो है आंकड़ा है लेकिन इससे पहले जो एस्टिमेट किया गया था दो में तब हमने सिर्फ सेवन समथिंग सेवन समथिंग लेपर्ड्स जो है वो विटनेस किए थे तो एक तरह से सिक्सटी इंक्रीज पॉपुलेशन में हमको देखने को मिला था तो जो हमारी मध्य प्रदेश कर्नाटका और महाराष्ट्र है वहां पर सबसे ज्यादा लेपर्ड हमको देखने को मिले थे सबसे ज्यादा ऑफकोर्स मध्य प्रदेश में है थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी वन और जो इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो लेपड है वो ऑल अक्रॉस ऑल हैबिटेट्स जो है वो देखने को मिलता है हमको जो सिर्फ बहुत ही कम एक्सेप्शन है जैसे आपकी जो एरिड डे, डेजर्ट रीजन है या हायर रीचिज ऑफ जो हिमालय हैं वहां पर ये लेपर्ड नहीं मिलेगा वहां ऑफ ऑफकोर्स आपको जैसे हाइयर रीचीज में आपको स्नो लेपर्ड मिल जाएगा बट लेपर्ड uh, जो है वो ऑलमोस्ट हर तरह के हैबिटेट में आपको देखने को मिलेगा ठीक है नॉर्थ ईस्टर्न लैंडस्केप में और हाई ऑल्टीट्यूड ईस्टर्न हिमालय में ये बहुत ज़्यादा वा, डिस्ट, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है अब लेपर्ड जो है <coughs> सब सहारन अफ्रीका से ले नॉर्थ अफ्रीका तक मिडल ईस्ट से लेकर एशिया माइनर तक साउथ से ले साउथ ईस्ट एशिया तक इवन आपकी जो रशियन फार ईस्ट जो कि बहुत ठंडा इलाका है वहाँ पर भी जो है लेपर्ड पाया जाता है तो एक तरह से ये हर काइंड ऑफ हैबिटाइट में ये सर्वाइव कर सकता है सिर्फ जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ एरी डेजर्ट्स और जो है आपकी टिम्बर लाइन जो है हिमालयस की वहाँ पर चौकी हाई ऑल्टीट्यूड पर है वहाँ पर ही जो है लेपर्ड नहीं मिलता है तो लेपर्ड की जो है आपका जो थ्रेटन जो स्टेटस है वो है वल्नरेबल ठीक है तो आई सी एन रेड लिस्ट में इसका स्टेटस वल्नरेबल है और साइट्स में इसका जो है वो अपेंडिक्स वन में लिस्ट किया गया है इंडिया में जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें इसको शेड्यूल वन में डाला गया तो इसको हाइएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इंडिया में दी गई है ठीक है सो नाउ लेटस इज दिस टॉपिक इन इंग्लिश लेपर्ड्स सो लेपर्ड दैट इज पैथेरापालिस The scientific name of leopard is Panthera pardus. So it faces an almost 83% increased risk of extinction in North India due to road kills. Okay, so almost four types of animal population were studied by this Global uh, Ecology and Biogeography journal, and they found that out of those four animals, leopard are at the uh, highest risk of uh, of uh, uh, extinction in the next 50 years because of road kill or road accidents in North India. Okay, so as leopards are in news, we have to see the status of leopard report uh, which was released just few months ago. But this estimation is about uh, 2018, and this report has been released by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So according to the report, India has almost 12,000 or rather around 13000 of leopards uh, if we compare this report or this estimation to the last report which was conducted in uh, 2014 we can see that it, there has been almost 60% rise in in population of uh, leopards and the most of the leopards are found in madhya pradesh the second is karnataka and the third is maharashtra okay so the, th the good thing about leopard is that they are found in almost all types of forested habitats uh, and the tiger range areas of the country and they are distributed widely in the northeastern landscape and even in the high altitude regions of eastern himalayas okay so these leopard the, the leopard is uh, basically like i've told you it is widely distributed and it, uh, it uh, this leopard range covers all the areas of africa or asia and it is found even in the russian far east which generally which is generally very cold Okay, and in India, it is absent only in the arid deserts uh, and above the timber line of Himalayas. Okay, so at high altitude of uh, Himalaya, it is absent and in the Arid deserts this uh, leopards are absent otherwise it is found everywhere in India okay so about the IUCN red list status uh, it is vulnerable and about the site status it is appendix one so in this case they are, they are accorded the highest level of protection in, in in the Wildlife Protection Act of India also it is accorded the highest level of protection in schedule one uh, and uh, this uh, leopard uh, you know the scientific name Panthera pardus okay so लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी तो फेसबुक ने आपको पता है ना अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो फेश फेशियल रिकॉग्निशन टूल जो है वो उसको फेज़ आउट कर देंगे उन्होंने अपनी कंपनी के ब्लॉग पोस्ट में बोला है कि ये सेफ नहीं है प्राइवेसी की वायलेशन है एंड ऑल दैट बहुत सी चीज़ उन्होंने बोली है तो हम देखते हैं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होती कि और ये कैसे काम करती है अब फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आपको नाम से ही पता लग रहा है ना कि, कि किसी पर्सन के फेस के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करना ठीक है चाहे वो फोटो से आइडेंटिफाई करें चाहे वीडियो से आपने किसी ने अगर गूगल फोटोज़ या इवन एप्पल फ़ोटोज़ जो है यूज़ किया होगा तो आप उसमें देख सकते हो कि वो आपके फेस को अगर आपने बता दिया कि ये फेस जो है इस फ़ोटो में जो है समझ लो आपने नाम दे दिया कि ये ए बी सी है ठीक है तो ये पर्स जो आपका गूगल फोटोज या इवन एप्पल फोटोज हैं वो आइडेंटिफाई कर लेगा आप उसको कभी और कोई और फोटो दिखाओगे तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो ये पर्सन जो है वो कौन है ठीक है तो अब इवन जो है आपके चलो फोन्स में आपके इवन जो आप इंटरनेट पर यूज़ करते हो उसमें तो यूज़ होता ही है फेशियल रिकोग्निशन टेक्नोलॉजी लेकिन गवर्नमेंट्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी जो है वो इसका यूज़ करने लगे हैं ठीक है तो समझ लो उनको अगर किसी टेररिस्ट के बारे में पता लग जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं कि इसको जो है वो किसी भी अगर सी सी कैमरा वगैरह में अगर आप उसको कैप्चर कर लिया है तो वो उस वो फेशियल रिकॉग्नीशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उस पर्सन को जो है वो लोकेशन को देख सकते हैं कि वो पर्सन इस टाइम पर कहाँ घूम रहा है अगर वो किसी कैमरा में कैद हो जाता है तो ठीक है अब ये बहुत ही ज़्यादा इंक्लूसिव नहीं है आपको लगता नहीं कि आपकी प्राइवेसी को वायलेट कर रही है गवर्नमेंट ठीक है तो अब इसमें क्या है कि सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगस्त 2018 में दिल्ली पुलिस जो है उन्होंने देखा कि सिर्फ़ टू परसेंट का एक्यूरेसी रेट है इसका ठीक है मतलब कि जो आपके जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आपके जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं ये फेशियल रिकॉग्निशन में सिर्फ दो परसेंट की एक्यूरेसी दिखाते हैं मतलब ये नाइन्टी एट परसेंट टाइम पर गलत ही जो है वो पर्सन को पकड़ते हैं ठीक है तो अब ये सिर्फ इंडिया में ही ऐसा नहीं है इवन यू और यू में भी जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसमें भी यही देखा गया कि सिर्फ दो या वन की ही एक्यूरेसी आती है ठीक है अब मोस्टली विमेन और चिल्ड्रन को पहचानने में ये हमेशा एल्गोरिथम्स जो है फेशियल रिकोगनीशन के वो हमको बहुत ही कम इसका सक्सेस है बहुत ही कम जो है वो देखने को मिलता है इसका सक्सेस ठीक है अब इसमें प्रॉब्लम एक और है वल्नरेबल ग्रुप्स जो है उनको बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं ठीक है अब समझ लो कि मैं एक सर्टेन तरह से मैं एक टर्बन पहनता हूँ और मैं क्रिमिनल हूँ अब फेशियल रिकोगनीशन के थ्रू मुझे पहचानना चाहती है जो है वो गवर्नमेंट तो उन्होंने मेरे मेरी एक फोटो डाल दी जिसमें मैं बड़ी पर्टिकुलर तरह से एक टर्बन पहनता हूँ तो जैसी टर्बन मैं पहनता हूँ ऐसे बहुत सारे जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप्स के जो मेम्बर्स हैं वो पहनते होंगे तो किसी को भी वो जो है फेशियल रिकोगगनीशन टेक्नोलॉजी वो किसी और को भी आइडेंटिफाई कर सकता है तो इसमें फेलियर का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा हाई है और जो जितने मायनॉर्टी ग्रुप्स के जो लोग होंगे वो सब सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इसमें फॉल्स uh, पॉजिटिव आने में ठीक है मतलब कि मैं नहीं पकड़ा गया जबकि मैंने भी टर्बन मैंने वो टर्बन पहनी हुई है लेकिन मेरी तरह से किसी और ने वो टर्बन पहनी है और वो बेचारा गलती से पकड़ा गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टर्बन और वो फेशियल टेक्नोलॉजी ने उसको ऐसा आइडेंटिफाई किया कि जैसे वो मैं हूँ ठीक है अब इसमें इमेज रिकॉग्निशन वैसे भी एक बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क है और इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एरर्स होने के चांस हैं तो इसलिए गवर्नमेंट अगर इसको यूज़ करती है तो ऐसा बहुत हो सकता है कि आप वो किसी गलत पर्सन को पकड़ लेंगे और किसी गलत पर्सन के ऊपर जो है वो चार्जेस लग सकते हैं ठीक है अब दूसरा एक और भी इसमें इशू है मास सर्वेलेंस का ठीक है क्योंकि इंडिया में कोई अभी तक डेटा प्रोटेक्शन का लॉ तो है नहीं है ठीक है तो अब गवर्नमेंट अगर ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है तो वो मास सर्वेलेंस कर रही है मास सर्वेलेंस कैसे कर रही है को उन्होंने पकड़ना है लेकिन उसके लिए वो हजारों लाखों लोगों के जो है वो फेसेस को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे फेस फेसेस के थ्रू जो है वो ब्राउज करेंगे और मेरे को जो है वो पकड़ने की कोशिश करेंगे तो एक तरह से मास सर्वेलेंस की जरूरत पड़ेगी ठीक है एक पर्सन को पकड़ने के लिए लाखों लोगों के जो है फेस को जो है वो रीड करना पड़ेगा इस टेक्नोलॉजी को तो एक तरह से मास सर्वेलेंस की टेक्नोलॉजी है ठीक है अब इसमें इंडिया रिस्पॉन्स कैसा मिला है फेशियल रिकॉग्नीशन को तो यू में एक फेशियल रिकॉगनीशन एंड बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी मॉरेटोरियम एक्ट आया है जिसमें कहा गया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो आ, इस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकती ठीक है फिर यूरोपियन यूनियन ने भी एक एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है वो पुलिस यूज नहीं कर सकती लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है तो मतलब वहां गवर्नमेंट जो है उसको यूज कर सकती है क्योंकि ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है चाइनीज गवर्नमेंट ने इसका बहुत ज्यादा यूज किया है उन्होंने जो कम्युनिटी है जिंजियांग में उसको ट्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा इसका यूज किया है इवन यूके भी इसको जो है अभी रिसेंटली जब 2020 में एक फुटबॉल मैच हुआ था तो उसके टाइम पर भी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उन्होंने बहुत यूज किया था इवन इंडिया में भी जब प्रोटेस्ट्स होते हैं तो इस टेक्नोलॉजी का यूज पुलिस बहुत ज्यादा करती है तो इसके हमने खतरे तो देखे ही हैं ठीक है कि कितने ज़्यादा चांस है कि इनएक्यूरेट uh, जो है वो पर्सन पकड़ा जाएगा या फिर मास uh, सर्वेलेंस की जा रही है तो ये सारे खतरे जो है वो फेशियल रिकोगनीशन टेक्नोलॉजी में प्रेवलेंट है ठीक है सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश फेशियल रिकोगनीशन टेक्नोलॉजी सो रिसेंटली इन अ ब्लॉग पोस्ट फेसबुक हैज़ अनाउंस दैट इट इज़ फेजिंग आउट इट्स फेशियल रिकोगनीशन टूल सो दिस अबाउट दिस फेक फेशियल रिकोगनीशन टूल इट इज़ बेसिकली Um, a technology which can identify a person by capturing his face from a photo or video. Uh, you all may be using Google Photos, so you know how it identifies your face in every photo. Okay, it just uh, sees a photo and it starts giving you labels that this person is your friend uh, ABC, this person is your friend uh, XYZ, and all that. So facial recognition technology can identify a person from either a photo or a video okay so it works in real time it's uh, it just it is based upon certain uh, advanced machine learning algorithms and using such algorithms it identifies a person okay so not just the facebook and google or apple even the governments are using even the law enforcement agencies are using this technology to identify and to catch criminals okay so, uh, there are certain concerns which we have to discuss. Like in August 2018, Delhi police reported that the accuracy rate. Of facial recognition technology was just two percent. Okay, so it is not that Delhi Police was using inefficient systems. It is a general trend. Even the UK and US, when they were using this technology, even they are using it now. So the accuracy rate is just two percent. Okay, so almost in 98 percent cases, false people will be uh, will be caught by this technology. Okay, so uh, particularly women and children and minorities, uh, they, these people are more susceptible to this uh, uh, inaccurate. Identification by this technology. Uh, like I was giving you an example that if I'm wearing a, a turban, then, uh, and if I'm a criminal, then this facial recognition technology would uh, be there is a chance that this facial recognition technology would catch someone else who is also wearing a certain kind of uh, uh, this uh, turban and it, so minorities are mostly at the risk of uh, getting uh, of being subjected to false positives okay so it is a very difficult task this facial recognition technology is a very difficult task and the errors are very significant and that percentage like you see like you have seen the error margin is almost 90 8%. okay so uh, there are fears of mass surveillance also okay like uh, if you if the government wants to catch me they have to go through the data of thousands or even lakhs or even crores of people just to identify me okay so they have to capture the images of so many people just to catch one person okay so there is mass surveillance and India already does not have any data protection law. That's why this uh, mass surveillance is also legitimized in the absence of a law. So there are certain uh, areas where your uh, where an individual's privacy will be compromised. So that's why certain governments in the world they are uh, putting a bar on this on the use of this technology like in the us government in the us an act has been proposed by some members of the congress so that the use of this technology will be banned by federal government even the european union has passed a resolution so that they can ban this uh, this technology by the, the uh, by the police but of course it is a non binding resolution so the, the governments who are part of european union they are not uh, bound to follow this resolution china has been using it to track Uyghurs. UK has been using it to monitor football fans. Like there was a match last year, a football uh, match. In this and in that uh, match, the UK police was using this technology. Even India has been using this technology to during the protests. Okay. सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कामिंग रिवर तो कामिंग रिवर अभी जो रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में कि वहां पर फिश बहुत ज़्यादा मरने लग गई थी बहुत ज़्यादा हाई टर्बिडिटी आ गई थी पानी में तो उसके रीजनस जो है वो हमें पहले नहीं पता लग रहे थे अब हमें पता लगा है कि एक लैंड लैंड स्लाइड्स हुई थी वहां पर बहुत ज़्यादा क्योंकि एक अर्थक् आया था उसकी वजह से क्या हुआ बहुत सारी लैंड स्लाइड्स हुई और उसकी वजह से जो है रॉक्स और जो मड है वो पानी में चली गई और जो है ऑक्सीजन जो लो डि ऑक्सीजन है जो पानी की वो बहुत कम हो गई उसकी वजह से जो है जो है ये फिश जो किल होने लग गई वहाँ पर ठीक है तो ये कामेंग रिवर है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की तावा तवांग डिस्ट्रिक्ट जो है आपका अरुणाचल का वहीं से ये निकलती है तो याद रखना तिब्बत से नहीं निकलती है ये तवांग डिस्ट्रिक्ट से ही निकलती है और असम में जाती है सोनितपुर दिस्ट, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में और जो है ब्रह्मपुत्र से मिलती है तेज़पुर डिस्ट्रिक्ट में ठीक है आपका जो काजीरंगा नेशनल पार्क है और पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी कामेंग रिवर के ही पास पर लोकेटेड है ठीक है सो नाउ लेट अस दिस टॉपिक इन इंग्लिश कामेंग रिवर सो रिसेंटली देर वॉज न्यूज़ रिपोर्ट देर वर न्यूज़ रिपोर्ट्स दैट दी फिश वर डाइंग इन कामेंग रिवर एंड द वॉटर वॉज गेटिंग वेरी ब्लैक एंड हाई देर वॉज वेरी हाई टर्बिडिटी इन द वॉटर सो Uh, after several studies it has been found that there was an earthquake uh, near the river and it caused landslides and because of uh, dumping of several tons of mud and rock into the river the uh, flow of water was disturbed even the dissolved oxygen in the river was also uh, reduced leading to the killing of so many fish and other uh, Organisms in the river. Okay, so this uh, um, about this uh, kameing river. It is a right bank tributary of the Brahmaputra, and it originates from Tawang district. So it does not originate from Tibet. You just remember that this fact. It just originates from the Tawang district of Arunachal Pradesh, and it.

और कंप्लेन फाइल की गई तो एनसीपीसीआर जो है आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स उन्होंने एक नोटिस इश्यू किया है एनसीआरटी को ठीक है तो ये इशू देखते हैं क्या है तो इस इशू में जो है कुछ आपको स्कूल uh, स्कूल्स school, को यो बच्चों को जो है वो कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी कि वो अब जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स जो है वो यूज़ करें ठीक है मतलब कि बॉयज़ का अलग लगना हो वेमे गर्ल्स uh, का अलग लगना हो और जेंडर बाइनरीज़ का जो है वो uh, uh, जो है वो यूज़ uh, ना किया जाए ठीक है मतलब अब इसमें जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स कैसे होंगे कि अब जो जैसे अगर कोई ट्रा, ट्रांसजेंडर -ट्रांस चिल्ड्रन है तो उनको मेल uh, टॉयलेट और फीमेल टॉयलेट सिर्फ ऐसे ही ना हो मतलब जेंडर बाइनरीज ना हो ट्रांसजेंडर uh, के लिए भी जो है वो आपको uh, अगर टॉयलेट्स बनाने तो जो आपको जो मेल और फीमेल में जो आपने डिफरेंशिएट किए हुए हैं टॉयलेट्स का उसको ख़त्म करना पड़ेगा ताकि ट्रांसजेंडर जो आपके चिल्ड्रन हैं उनको अन ना हो ठीक है फिर जो है एन पी सी के नोटिस ने ये बोला कि आप स्कूल में तो आप ये जेंडर बाइनरीज को रिमूव कर दोगे लेकिन जब बच्चे घर जाएंगे या मार्केट जाएंगे तो वहाँ तो ये बाइनरी अवेलेबल है ठीक है तो उनको एक अननेसेसरी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा जस्ट बिकॉज आप स्कूल में उनको ये infrastructure में जो है वो change ला के दे रहे हो लेकिन और ठीक है है अब इसमें इसी manual में ये भी कहा गया था कि अगर adolescents को जो है, कोई जेंडर से रिलेटेड कोई डिप्रेशन uh, है या डिस्फोरिया है या कोई स्ट्रेस है तो वो प्यूबर्टी ब्लॉक या फिर हार्मोन ट्रीटमेंट्स भी करवा सकते हैं ठीक है उनको बताया गया था कि ऐसी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं ठीक है फिर इसके अंदर ये भी कहा गया था इसी मैनुअल के अंदर कि एक्चुअली वैदिक एज में जेंडर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी लेकिन कास्ट सिस्टम और कास्ट पैट्रियार्की की वजह से जो है ट्रांसजेंडर पीपल को स्टिग्मेटाइज़ किया गया था ठीक है तो अब ये सारे इश्यूज़ जो हैं उससे रिलेटेड जो है एनसीपीसीआर ने एन को एक नोटिस दिया है और कहा है कि ये जो डेटा आप दे रहे हो ये किस बेसिस पर दिया गया है डेटा आपको कहाँ से रिसर्च से पता लगा है कि ये सब चीजें ऐसा एग्जिस्ट करती हैं और क्या आपने बेसिस लिया क्या आपने स्टडी की कि इसका इंपैक्ट जो है वो बच्चों पर क्या पड़ेगा ठीक है तो अब जो है एन रिप्लाई करेगा आ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि एन क्या रिप्लाई करेगा एन क्या एक्शन लेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एन एक बॉडी क्या है ठीक है तो एन एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के अंदर बनाई गई थी ठीक है अब ये चाइल्ड सेंट्रिक चाइल्ड राइट सेंट्रिक अप्रोच रखती है और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करती है ठीक है अब इसका काम यह है कि गव आ, इंडिया के अंदर जो भी लॉज या फिर पॉलिसीज बन रही हैं क्या वो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को जो है वो आ, से आ, जो है आ, मैच खा रही हैं क्या वो यू एन कन्वेंशन ऑफ राइट्स चाइल्ड को फॉलो कर रही हैं ठीक है तो ये इस काम ये जो है इसका इस ये सब देखने का काम एन सी पी सी आर का ही होता है ठीक है अब इस केस में चाइल्ड कौन है ज़ीरो से एटीन ईयर्स के एज के बीच में जो भी है उसको चाइल्ड जो है वो आ, माना जाता है एन सी पी सी आर द्वारा ठीक है अब अपार्ट फ्रॉम ये जो आपका चाइल्ड कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट जो है इसके अलावा जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट भी जो है उसको आ, जो है आ, उससे रिलेटेड इश्यूज को भी जो है हैंडल करने का काम एन ही करता है ठीक है तो अब ये राइट टू तो एजुकेशन के अंदर ही जो है एन को नोटिस भेजा है ना ठीक है तो राइट टू तो एजुकेशन एक्ट के अंदर ही एन को ये एन ने नोटिस भेजा है ठीक है अब एन सी को जो है एक पार्लियामेंट ने बनाया इसको एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने तो इसके जो चेयर पर्सन है वो उनका वो एक पर्सन ऑफ एमिनेंस होने चाहिए और उन्हें चाइल्ड वेलफेयर के जो है रिलेटेड काम किया होना चाहिए ठीक है फिर इसके अंदर सिक्स मेंबर्स होते हैं जिसमें से दो मिनिमम जो है वुमेन मेंबर्स होने चाहिए और उनका एजुकेशन चाइल्ड हेल्थ केयर वेलफेयर चाइल्ड डिवेलपमेंट ऐसी चीज़ों में जो है वो एक्सपीरियंस लाइफ में होना चाहिए ठीक है सो नाउ लेटर सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश Uh, ncpcr so recently there was a controversy regarding a manual a training manual that was released by ncrt which uh, was talking about inclusion of transgender children in the schools uh, this uh, uh, this created a storm in social media and a complaint was filed by an individual and based upon that ncpcr has sent a notice to wow. ncrt okay so there were several recommendations under this training manual so the first one is that the uh, the manual was recommending that the school infrastructure should be changed, and the general and the toilets which are there for school children they should be made gender neutral. Okay, so currently we have uh, toilets for boys and toilets for girls. So these are binary. Okay, either uh, so what will happen to transgender children? Or oh, they would have to go through uh, psychological trauma if they find that there are just uh, male as well as the uh, female toilets or boys and girls so the, this manual was saying that there should be uh, the, we should remove this gender binaries and we should make gender neutral toilets okay uh, but the ncpcr said that you are constructing gender neutral toilets in schools but what would happen to the child when it goes back to the community or society or at home because in that society there are, this binary still exists okay so the child will have to undergo unnecessary psychological trauma even if you make this uh, this uh, uh, gender binaries, uh, if you dissolve these gender bin binaries in the school. Okay, so this manual uh, was also suggesting that in case the adolescents are experiencing gender dysphoria or any stress or any uh, depression related to their gender identities, they can avail uh, puberty blockers or hormone treatments. Okay, so this was a very uh, 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 extreme uh, suggestion by the ncrt so that's why this uh, ncpcr uh, th a complaint was filed against ncpcr by the uh, by an individual uh, this uh, manual was also saying that in vedic age gender diversity was there but caste related patriarchy stigmatized transgender people okay so the nc so the ncpcr has said that if you have any data to back this up okay and what kind of individuals were involved in uh, making this manual? NCPCR has also asked this uh, from NCRT. Okay, so uh, uh, we have to. We do not need to go into the details of this controversy because the topic which is important for us is NCPCR. Okay, so this NCPCR is basically a statutory body which uh, was formed by an act of parliament. This uh, that is the Commission for Protection of Child Right Act, and it works towards achieving a child rights centric approach and it works under the ministry of women and child development its aim is to ensure that all laws and policies in the country are in consonance with the rights of children and uh, the un convention on rights of child is also followed in letter and spirit in the country okay so uh, according to ncpcr any person who is between the age of 0 and 18 years is considered to be a child uh, apart from the of course it's uh, mandatory it's mandated 2005 act uh, this ncpcr is also mandated with the responsibilities of POXO as well as right to education act so this notice which has been served to the ncrt has been served under the uh, under the mandate of ncp P.C.R. to uh, to uphold the uh, provisions of Right to Education Act also. Okay, so this N.C.P.C.R. is a body which uh, consists of a chairperson who must be a person of eminence having an exemplary uh, record of work in child welfare, and it also has six members who are who uh, uh, out of these six two must be women and they should have experience in the following fields like education child health care uh, welfare or child development okay so uh, this consists this body ncpcr consists of these chairperson and six other members okay so these were our topics for today Today we telegram group weekly current affairs just download that also we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care